वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज आप लोग के लिए BA तृतीय सेमेस्टर का जो क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि पेपर नज़दीक है और टाइमिंग कम है और आप लोग को तैयार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय की ज़रूरत है, तो भूगोल का जो पहला आपका द्वितीय प्रश्न पत्र के अनुसार जो भूगोल पर्यावरण अध्ययन का पहले क्लासेस मैंने आपको बताई, आज आपको सेकेंड क्लास जो चलेगा वो आपके लिए होगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आप लोगों को एक समझने के लिए और अपनी कॉपी को कैसे करना है हैंडराइटिंग, ये सारी चीज़ समझने के लिए ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और ये क्लासेस आपको बहुत ही आनंददायक रहेगा। जिन्होंने अभी तक भूगोल ले रखा है अपने तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राएं की तृतीय थर्ड ईयर के छात्र, उनके लिए ये आपको एक सुनहरा अवसर रहेगा, क्योंकि पेपर नज़दीक है और आपको तैयारी करने में थोड़ा आसानी भी होगा। तो आप लोग ज़रूर देखें वीडियो को अंत तक, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें आपको इंक्लूड कर दिया गया है। पहले भी क्वेश्चन में आपको मैंने 10-12 क्वेश्चन इंक्लूड करके आपको सारी चीज़ बताया है, और इसके बाद में आपको मैं बताऊँगा इसमें कितने क्वेश्चन, लगभग इसमें भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपको एक निचोड़ होगा, क्योंकि इसमें से आपको कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई प्रश्न आपके पेपर में नहीं आया होगा। तो पेपर में सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, और आप लोग को ये ध्यान नहीं है कि हाँ हमारा पेपर भी है और अभी तक मैंने कुछ तैयारी नहीं किया है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग ज़रूर देखते रहे वीडियो को और हमारे चैनल AK स्टडी नोट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और आने वाले जो क्लासेस होंगी वो आपको और बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका होगा भूस्खलन, और इसके अंतर्गत जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो कुछ इसी तरीके से आएंगे। क्वेश्चन आपका रहा ये भूस्खलन, यानी कि इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन मैंने बताया कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले क्वेश्चन भूस्खलन, भौतिक पर्यावरण, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लें, यानी कि पहले यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन आप उठाएंगे क्वेश्चन पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो जितने भी थर्ड ईयर के छात्र छात्राएं हैं वो ज़रूर इस क्लास को देखना ना भूले, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका है भूस्खलन। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है, धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से इसके, और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों के टुकड़ों और मिट्टी के बहाव शामिल हो सकता है, तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। मानव गतिविधियाँ जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटने, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों के कटने या पानी की पाइपों से रिसाव, या पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वनीकरण तथा भारी बारिश से भी भूस्खलन हो सकता है। तो इस तरीके से भूस्खलन का होना कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने आपको क्लियर किया। तो भूस्खलन आप लोग समझ गए होंगे ना, तो भूस्खलन कैसे होता है। भूस्खलन मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पत्थर खिसकना, पथरीली, उसके बाद में फिर पथरीली मिट्टी जो होती है उसके बहाव के कारण, उसके बाद में पानी के रिसाव के कारण, सड़क में जो चट्टान होती है उसके कटने के कारण, पानी के रिसाव हो गया, निर्वनीकरण क्षेत्र जो भारी बारिश में भूस्खलन होता है। तो इस तरीके से भूस्खलन के जो हमारे प्रभाव होते हैं उसको यहाँ पे आपको निर्धारित है। 14वां क्वेश्चन आपका है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण होता क्या है, आइए आपको बताएंगे। उत्तर नंबर, भौतिक पर्यावरण से अभिप्राय भौतिक कारकों से है, यानी कि भौतिक पर्यावरण से जो अभिप्राय है वो भौतिक कारकों से है, जिसमें पर्यावरण के वायुमंडलीय तत्व, सौर ऊर्जा, प्रकाश, तापमान आदि स्थलजात तत्व जैसे धरातलीय स्वरूप, मृदा, शैल, खनिज आदि जलीय तत्व, ये हमारी भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आपका होगा जल राशियाँ, सागरीय जल, धरातलीय जल, भूमिगत जल आदि तथा स्थित जात तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इन कारकों को तीन भागों प्राकृतिक वातावरण के तत्व और प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रिया तथा प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों में विभाजित किया जाता है। ये समस्त कारक समेकित रूप से भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
वस्तु, ये आपका भौतिक पर्यावरण हो गया है। नहीं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपका आता है प्राकृतिक वातावरण के तत्व जो कारक हैं उनके, और प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएँ तथा प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों, तो ये तीन कारक हैं इनमें आपके भौतिक भूगोल में, इनकी भौतिक पर्यावरण में आपका ये आता है। प्रश्न नंबर 15 आपका आता है हरित गृह प्रभाव, उत्तर में आता है ग्रीन प्रभाव। ग्रीन प्रभाव से अभिप्राय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण तापमान में होने वाली वृद्धि से है। यानी कि अगर बात करें तो वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसें हैं उनमें वृद्धि होती है, तभी वहाँ पे ग्रीन हाउस यानी ऊष्मारोधी दीवारों से निर्मित एक ऐसा पौध घर होता है जिसकी छत कांच या प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की लघु तरंगे इसमें प्रविष्ट तो हो जाती हैं, किंतु दीर्घ तरंगों के रूप में होने वाला विकिरण इस कांच यानी घर से बाहर नहीं हो पाता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है और हमारा वायुमंडल भी ग्रीन हाउस के समान कार्य करता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा तापमान वृद्धि के प्रभाव को हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये हमारा आपका क्वेश्चन है, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा तापमान में वृद्धि के प्रभाव को हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ये आपका अगर ग्रीन हाउस प्रभाव पूछा जाता है तो ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन, जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या है आइए बताते हैं। जल में प्रदूषकों की इतनी अधिक मात्रा में समावेश की वह जल की सहन क्षमता से अधिक हो और प्राणी मात्र के लिए हानिकारक हो जाए, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से बाह्य पदार्थ जल में मिल जाते हैं जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जल में परिपक्वता भी आ जाती है, जल के समान ऑक्सीजन स्तर में गिरावट आती है, जल जनित महामारियां फैलती हैं तथा अन्य दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये आपका जल प्रदूषण के बारे में, यानी कि अगर जल प्रदूषण के बारे में पूछा जाए तो ये आपका मेन टॉपिक होता है। जब प्राकृतिक या अन्य स्रोत से बाह्य पदार्थ जल में, जल के सामान्य ऑक्सीजन में गिरावट, ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि स्रोतों में पदार्थ में जल में मिल जाते हैं जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जल में परिपक्वता आ जाती है और जल के सामान्य ऑक्सीजन में स्तर में गिरावट आती है, जल जनित महामारियाँ फैलती हैं तथा अन्य दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। अमेरिकी जन स्वास्थ्य सेवा के अनुसार कहा गया है कि जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ की उपस्थिति जिसके कारण जल विशेषताओं में कमी होकर घातक प्रभाव हो या जल की उपयोगिता में कमी हो आती हो तो जल प्रदूषण कहलाता है। 17वां क्वेश्चन आपका है संधारित्र यानी कि सतत विकास, उत्तर है आपका संपोषित विकास से अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों के विकास विवेक सम्मत उपयोग से है, ताकि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही भविष्य में भी संसाधनों की का सुरक्षित दोहन किया जा सके। इसमें ब्रटलैंड रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को पूर्ण करने की क्षमता में ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति ही संपोषित विकास है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रबंधन नियोजन, यानी प्रबंधन यानी हम बोलेंगे तो इसको नियोजन, इसका है आंसर आपका पर्यावरण प्रबंधन यानी कि पर्यावरण नियोजन। पर्यावरण संकट से निकलने का एक मार्ग है जिसमें नियोजन विश्लेषण मूल्यांकन तथा सीमित संसाधनों के विवेक उपयोग तथा मानव की वर्तमान सम्मत उपयोग तथा मानव की वर्तमान प्राथमिकताओं में परिवर्तन आदि पक्ष सम्मिलित हैं, जिसमें कि पर्यावरण घटकों की उपयोगिता बनी रहे। पर्यावरण संकट से संबंधित विभिन्न समस्याएं प्राकृतिक पर्यावरण के अविवेकपूर्ण दोहन से ही उत्पन्न हुई है। पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य पर्यावरण के उचित
उपयोग तथा संरक्षणों के उपायों से है, ताकि यह जीव जगत के अधिकाधिक हित में हो तथा न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करे, जिसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। तो ये आपका प्रबंधन है, पर्यावरण प्रबंधन, यानी कि बात करें तो नियोजन का एक मात्र संगठक है। अब आपका क्या 19वां नंबर, बाघ प्रयोजन। बाघ परियोजना, बाघ एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बाघों का पर्याप्त संख्या में उपस्थित आवश्यक है। विलुप्त होते बाघों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की। बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघों के संरक्षण के लिए प्रारंभ में 9 बाघ रिजर्व क्षेत्र बनाए गए, जैसे बांदीपुर, कार्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पालामऊ, रणथंभौर, सिमलीपाल और सुंदरबन। इनका कुल क्षेत्र 16,339 वर्ग किलोमीटर तथा इनमें 268 बाघ थे, जिनमें 2750 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सिमलीपाल रिजर्व बाघ सबसे बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण कैसे कैसे होता है? ओजोन क्षरण अपक्षय का वर्णन 1970 के दशक में आया। पृथ्वी के संताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की कमी आ रही है, जिस कारण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर संताप मंडल में ओजोन छिद्र की घटना सामने आ रही है। इसका मूल कारण ब्रोमीन, परमाणु क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन व फ्रेयान है। ओजोन क्षरण से सूर्य में आने वाली हानिकारक प्रावैगनिक किरणें जीवों व वनस्पतियों को हानि पहुंचाती है। ओजोन लेयर ही इस हानिकारक किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस कारण ओजोन परत का संरक्षण आवश्यक है। अब आपका आता है 21वां पारिस्थितिकी पिरामिड। उत्तर है आपका, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को उनकी संख्या, जैव और भार तथा ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित किए जाएं, तो पिरामिड की आकृति बनती है, जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। अब पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना एल्टन ने 1927 में प्रमुख की प्रस्तुत की है। पिरामिड आरेखों द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न जैविक घटकों के पोषण स्तर संबंध प्रदर्शित किए जाते हैं। इनमें उत्पाद तथा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ता पिरामिड के आधार पर शीर्ष की ओर अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 जीवों की संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड तथा ऊर्जा पिरामिड। ये 3 आपके इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपका था प्रश्न नंबर, ई वेस्ट क्या है? बेकार हो चुके या पुरानी शैली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नगरीय अपशिष्ट का बड़ा भाग है, इन्हें ही ई वेस्ट कहते हैं। इनमें कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, बैटरी, लैपटॉप, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, चिप, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, कैलकुलेटर आदि सम्मिलित हैं। विकसित देशों में इलेक्ट्रॉनिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों की समस्या अधिक भयावह है, इनसे मानव स्वास्थ्य की गंभीर खतरा है, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपका है खाद्य श्रृंखला। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये दोनों रहेंगे। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है, जिसके द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार लिंडमन ने 1942 में प्रस्तुत किया। हरे पौधे संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि अर्थात शाकाहारी जीव करते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ताओं का द्वितीय उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी, एवं द्वितीय उपभोक्ताओं का तृतीय उपभोक्ता जो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यही खाद्य श्रृंखला है।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे बढ़िया क्लासेस आपको नहीं है और मज़ेदार क्लासेस सॉल्व नहीं है। आपका 24वां क्वेश्चन रहेगा सांस्कृतिक पर्यावरण। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह रही कि आपके जो क्वेश्चन में पेपर आते हैं, क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आते हैं, वो बड़े ही अच्छे होते हैं और बड़े लाजवाब होते हैं, क्योंकि इसमें आपके क्या होते हैं कि कभी कभी आप समझ नहीं पाते हो कि हमें करना क्या है। तो ये चीज़ें छोड़ो अब और अपना काम करते रहो और करते जाओ, क्योंकि हमें काम क्या है, पढ़ना, पढ़ के हमें सारी चीज़ें हासिल करना है। तो हमारे लक्ष्य कभी खाली न रहे, ये चीज़ें दिमाग में रख के हम लोग चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब बात करेंगे सांस्कृतिक पर्यावरण से, इसमें क्या आता है आपका आंसर दोस्तों? इसमें आपका आएगा भौतिक कारकों में परिवर्तन, संशोधन अथवा परिष्करण करके मानव सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। आज भूमंडल का अधिकांश भाग सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है, क्योंकि मानव अपनी प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर लगभग सब जगह पहुँच चुका है अथवा अपनी पारिस्थितिकी की छाप छोड़ दी है। भौतिक वातावरण की भांति पारिस्थितिकी पर्यावरण के भी तीन अंग, यानी कि सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, प्रक्रियाएँ तथा सांस्कृतिक वातावरण के तत्व हैं। तो इस तरीके से आपका सांस्कृतिक पर्यावरण के जो तत्व माने गए हैं कुछ इस प्रकार था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 25वां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का अर्थ एवं परिभाषा, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। अब आपका आ गया पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकों को हम कहते हैं इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण के बारे पहले बताएंगे। हिंदी का रूपांतरण इकोलॉजी, ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। कौन से? एक तो आपका आता है ओइकॉस तथा दूसरा आता है लोगोस। ओइकॉस का मतलब होता है ओइकॉस का शाब्दिक अर्थ होता है निवास स्थान, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जो इसका हम निवास के स्थान का अध्ययन करते हैं उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सबसे बढ़िया। इसी प्रकार शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रकृति को स्पष्ट किया जा सकता है कि जीवों को उन्हीं के निवास स्थान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत अच्छी टॉपिक आपके समझने के लिए है, कि जीवों का उन्हीं के निवास स्थान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना पारिस्थितिकी है। यानी कि मैंने आपको अभी यही चीज़ें पहले बताया, इसमें जीव एवं उसके स्थान से संपूर्ण जैविक अजैविक संघटकों के अध्ययन का बोध होता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रियाओं की और भी संकेत मिलता है। तो साथ ही पारिस्थितिकी में पाई जाने वाली समानता एवं असमानता भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है। अब आपका आता है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम 1869 में जर्मन जीव विज्ञानी यानी अंसर्ट हैकल महोदय ने किया था। हैकल के अनुसार कहा गया है कि पारिस्थितिकी वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका पारिस्थितिकी। यानी कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता हो गया कि ओइकॉस और लोगोस से क्या होता है। ओइकॉस का शाब्दिक अर्थ होता है निवास स्थान, और लोगोस का शब्द होता है अध्ययन, की जिनके हम निवास के स्थान को अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इस तरीके से आपका पारिस्थितिकी तंत्र था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और सबसे पेपर इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इसमें आपका आता है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया। अब आता है आपका आ गया 26वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, यानी कि पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 क्या है। बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन होगा और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होता है आपका। इसमें आपका ENP पूछा गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, यानी ENP एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज है जिसे देश के सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। यह नीति पिछली नीतियों के में से प्रतिस्थापित नहीं रखती बल्कि उन्हें जोड़ती है। यानी कि ENP की बात करें तो यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से सिखाया गया है और बताया भी गया है कि
कि यह नीति पिछली नीतियों में प्रस्थापित नहीं करती बल्कि इन्हें जोड़ती है। यह नीति विशेषज्ञों, सरकारों, औद्योगिक एसोसिएशनों, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थाओं, सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी संगठनों तथा लोगों के साथ हुए व्यापक विचार विमर्श का परिणाम है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जिसके संबंध में सभी स्थलों पर हितधारकों और विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है, इनके अनेक नए और पहले से जारी प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। तो इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है 2006 क्या है। तो ये आपके पेपर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और जिन दोस्तों को इसका पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग यूट्यूब चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण आपका ये रहेगा कि अगला टॉपिक कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको अगला टॉपिक बता दूंगा कि अगला टॉपिक आपका रहेगा क्या। अगला टॉपिक आपका रहेगा आपका प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित, जो आपका शॉर्ट आंसर आपका मैं सबसे पहले सिखा दे रहा हूँ कि शॉर्ट आंसर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको मैंने जो क्वेश्चन पहले बताया है, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको अपडेट करा चुका हूँ। केवल शॉर्ट आंसर आपके क्वेश्चन बचे थे, जो आपके पेपर तक मैंने बताया था कि वो भी क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।